नमस्कार, वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बुलियन आउटलुक की बात करें तो हमने देखा पिछले एक हफ्ते में सोने में एक फ्लैटिश मोड़ था, या दूसरे वे में हम बोल सकते हैं कि बड़ी जो तेजी थी उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट करके लगभग अगर हम बात करें तो 52,800 के ऊपर प्राइसेस बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चांदी में जैसे हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में बड़ी तेजी बन सकती है, पिछले एक हफ्ते में लगभग 2% की तेजी। अगर हम आज 1 दिसंबर है, अगर हम बात करें कि ओवरऑल बुलियन कैसा रहा नवंबर मंथ के अंदर, तो 4.25% से ज्यादा की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो लगभग 7.5% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी है एक महीने के अंदर। फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है डॉलर, जिस दिन से हमने देखा कि फेड अब धीरे धीरे डॉविस मोड पे जाने लग गया है। जो रेट हाइक के लिए एग्रेसिवनेस दिखी गई थी वो अब डॉविस की तरफ मुड़ने लगे, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक खाली दिसंबर में होगा और आगे भी जाके धीरे धीरे चीजें कम होगी, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट है। 106 के नीचे आ चुका है। लगभग पूरे नवंबर मंथ में 4.5% की गिरावट हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी, जिसका एक भरपूर सपोर्ट सोने चांदी पे मिलता हुआ दिखाई दिया। फेड चेयरमैन पॉवेल की कल की जो स्पीच थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। वहीं दूसरी ओर अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो यूएस के जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, बट अभी भी रिसेशन को लेकर फियर जो है मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। दूसरी ओर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना मार्केट अब ओपन अप हो चुका है। हमने देखा कि नए जो रेस्ट्रिक्शन से अब नहीं लग रहे और 22 जनवरी से चाइना मार्केट हॉलीडे पे भी जाने वाला है, जिसके चलते फिजिकल में डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और चाइना ये दोनों ही काफी बड़े बायर्स है, ज्यादा करके हम देखते हैं गोल्ड के, तो इंडिया में नो डाउट थोड़ा बहुत डिस्काउंट है दिवाली के बाद, बट चाइना अब कंजम्पशन स्टार्ट कर रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अगले एक हफ्ते के लिए तेजी में रहेंगे। टेक्निकली भी मार्केट काफी साउंड है, जहां अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में हम पकड़ के चल रहे हैं 53,500 तक का लेवल, 52,800 तक का लेवल मिलता तो लेके चलिए, 52,500 की स्टॉप लॉस से 53,500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इंटरनेशनल में $22 का, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं तो 64,000 के ऊपर प्राइसेस अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है कि 64 के आसपास मिले तो लेके चलिए, 65,200 का लेवल तोड़ने पे हम 68,000 तक का एक ब्रॉडर रेंज अगले 15 दिन के लिए लेके चल सकते हैं। इन शॉर्ट सोने और चांदी दोनों में ही तेजी का रुख है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, फंडामेंटल काफी मजबूत है। ईयर एंड का अभाव जरूर रहेगा क्योंकि 10 तारीख से वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, बट टाइमिंग सिचुएशन काफी सपोर्टिव है। धन्यवाद।